अभी आप पूछेंगे, कभी बाबा मुरली में कहता है श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करना, ये मुझे समझ में नहीं आया, माता जी सुनाएंगे। हाँ भाई बताओ, दूध में पानी तो मिक्स कर सकते हो, श्रीमत में मनमत कैसे मिक्स होता है, वो तो देखा ही नहीं आगे, कौन सुनाएगा। श्रीमत में बाबा मुरली कहता है श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करना, तो श्रीमत में मनमत कैसे मिक्स होगा। हाँ माता जी सुनाएंगे, वो कैसे मनमत कैसे मिक्स होता है, दूध में पानी मिक्स करते हैं तो पतला होगा, क्या श्रीमत पतला होगा, नहीं, तो क्या होगा उधर। हाँ अभी सुनना, अभी मैं उसका उदाहरण देता, जवाब आप देना, माता जी पहले देंगे। देखो बाबा दीदी मुरली सुना रही थी, मुरली सुन, बच्चे तन से सेवा करो, भाई जी सुन, मुरली सुनते सुनते सुनते, बाबा आज तन की सेवा नहीं हो सकती, मुझे नौकरी में जाना है, आज नहीं कर सकते। फिर दीदी ने मुरली सुनाई, दूसरा पॉइंट, बच्चे धन की सेवा करो, भाई जी ने देखा जेब में हाँ 100 रुपया है, बाबा आज धन की सेवा कर सकता, तो देखता हूँ चारों तरफ क्या सेवा करो। देखो सब थोड़े बच्चे बाबा के चेयर पर बैठे हैं, थोड़े बुजुर्ग माताएं जमीन पर बैठी है, तो सोचता है मन में कि 100 रुपया में एक चेयर आ सकती, कुर्सी आ सकती, तो सीधा उठ के मार्केट में गया, एक चेयर लिया, लाके सेंटर में रख दिया, तो धन की सेवा हो गई ना, तन की तो नहीं हुई। उसने कहा मुरली सुनते सुनते, बाबा तन की सेवा आज नहीं हो सकती, नौकरी में जाना, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। तो बाबा ने तुरंत कहा बच्चे धन की सेवा करो, हाँ देखा जेब में 100 रुपया है, तो धन की सेवा करता हूं, चलेगा ना। अब बताओ माता जी, मन तन से तो नहीं हुआ, धन से तो सेवा किया, मार्केट में जाके 100 रुपये में एक ही, उसकी ताकत 100 रुपये है, एक चेयर लाके रख दिया, तो चलेगा नहीं चलेगा। माता जी को बाबा अगर मुरली सुनाता है। हाँ पिताजी बताओ, भाई बताओ, दीदी को पूछना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जगह है नहीं, कुर्सियां तो रखी हुई ऑलरेडी पहले से। श्रीमत दीदी का है कि बाबा का है, बाबा की मुरली है ना, बाबा ने मुरली में कहा स्त्री, स्त्री मत है कि श्रीमत है, श्रीमत है, श्रीमत तो मुरली है, मुरली के अनुसार किया। अब ये भाई दूसरा आया है, ये कहता है दीदी को पूछ लो, और बहनी कहती है नहीं जो कर रहे हो सही कर रहे। अब ये दो लोगों को दो अलग मुरली सुनाता है क्या। चलो माता जी सही बताती, माता जी बताओ क्या करना चाहिए। आपने कहा श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं, अभी मुरली में आया श्रीमत, बच्चे तन से सेवा करो, नहीं बाबा नहीं कर सकते, सीधा सीधा बाबा ने कहा धन से सेवा करो, हाँ कर सकता हूँ, तो धन से सेवा किया तो गलत क्या हुआ, चलेगा ना। चलो माता जी सुनती हुशियार है, बताओ सामर्थ्य के अनुसार काम करना। हाँ उसकी समर्थ 100 रुपए थे, एक ही चेयर ला सकते हो, सेंटर में तो 100 चाहिए, लेकिन उसकी ताकत नहीं, उसकी ताकत एक चेयर एक ला के रखा, चलेगा ना। हाँ बाबा स्वीकार करेगा, देखो माता गुरु ने छुट्टी दिया। अब भाई बताओ, पिता गुरु बताओ, हाँ माता गुरु ने छुट्टी, बाबा स्वीकार करेगा। अब बताओ नहीं, इसलिए कहा श्रीमत में मनमत मिक्स कैसे होता है, इसको तो समझ में नहीं आता है, इसलिए उदाहरण दिया। देखो श्रीमत भाई ने सही बोला, लेकिन स्पष्ट करना चाहिए श्रीमत मुरली है, मुरली सुनकर आप बाहर कुछ भी कर सकते हो, श्रीमत है। अगर यहां श्रीमत के अनुसार कुछ करना चाहते हो, यहां निमित्त कोई आत्मा है, इसकी व्यवस्था करने वाली कोई आत्मा है, तो उनको पूछना है मुझे बाबा के मुरली से विचार आया, श्रीमत मिला कि बच्चे धन से सेवा करो, तो मेरे मन में विचार आया मैं 100 रुपया का एक चेयर लेके, अरे भैया बहुत चेयर्स है रखने के लिए जगह नहीं है, आप 100 रुपया भंडारे में डालो, एक का पदम गुना जमा होगा। अगर आपने पूछा नहीं, मार्केट में जाके एक चेयर ला के रख दिया, पहले 100 चेयर है रखने जाओ, आपका कोई काम का नहीं, एक का एक गुना मिलेगा। अगर यहां कुछ करते हो तो निमित्त आत्मा को पूछना चाहिए, ज्ञान सुनकर श्रीमत है, बाहर कुछ भी करो, ये किसी को समझ में नहीं आता।